हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है क्रेजी मोबाइल ज्ञान यूट्यूब चैनल पे। हमारा नाम है दिलीप। तो आज के इस वीडियो पे हम बात करेंगे आप कैसे दूसरे का व्हाट्सएप अपने मोबाइल के अंदर चला सकते हो। आज के इस वीडियो पे हम बात करें तो यहाँ पर वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी को एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए इस चैनल को। चलिए फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, इसके लिए आपको प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन का जरूरत पड़ेगा जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन पे दे दिया हूँ। तो ये है वो एप्लीकेशन व्हाट्स वेब। तो इसको सिंपल सा इंस्टॉल कर देना है अपने फ़ोन में। इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन पे ऑलरेडी दे दिया हूँ। तो इस एप्लीकेशन को सिंपल सा हम इंस्टॉल कर देते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर 7.8 MB का है और 5 मिलियन लोगों ने इसको डाउनलोड करके रखे। तो इसको सिंपल सा इंस्टॉल कर देते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत कुछ टाइम ले रहा है। तो देख सकते हो यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। तो इसको सिंपल सा ओपन कर देते हैं। ओपन करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा आपके सामने। तो यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन देखने के लिए आपको मिलेगा, शेयर ऑप्शन, बहुत सारा ऑप्शन, स्टेटस, सेवर, सब कुछ मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आपको व्हाट्सएप पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर सिंपल सा मैं क्लिक कर देता हूँ और उसके बाद जो कुछ भी परमिशन मांगेगा आपको अलाव पे क्लिक कर देना है सिंपल सा। तो यहाँ पर मैं आला पे क्लिक कर देता हूँ और ये देखिए कुछ प्रोसेस ले रहा है। तो हमको थोड़ा वेट कर लेना है। तो देखते यहाँ पर आप देख सकते हैं इस टाइप का इंटरफेस आ गया। यहाँ पर आप पढ़ सकते हो सारे के सारे डिटेल्स और ऊपर भी है। आप अगर नहीं जान पा रहे हैं तो ऊपर 3 डॉट पे आपको क्लिक करना है हेल्प के लिए, ठीक है ना। यहाँ पर देख सकते हो हाउ इट वर्क, मतलब कैसा काम करे, क्या पढ़ने के लिए इसको यहाँ पर क्लिक कर सकते हो। तो सिंपल सा हो गया। इतने स्टेप आपके मोबाइल पर कर देने हैं। उसके बाद जिसका पढ़ने के लिए चाहते हो तो उसका मोबाइल एक मिनट के लिए, एक मिनट से भी कम समय, ठीक है ना, 20 सेकंड या 10 सेकंड के लिए उसका मोबाइल लाना है। क्योंकि अभी यहाँ पर स्कैनिंग करना है, ठीक है ना। तो मान लीजिए आपके गर्लफ्रेंड का है या बॉयफ्रेंड का या आपके दोस्त का मोबाइल, तो बहुत ही मज़ा आएगा अभी। तो सिंपल सा आपको उसका व्हाट्सएप ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद ऊपर जो 3 डॉट दिख रहे हैं वहाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद व्हाट्सएप वेब यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे जो ओके गॉट इट पे क्लिक कर देना है। आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो QR कोड दिख रहा है वहाँ पर स्कैनिंग कर देना है और बस काम हो गया। यहाँ पर आपके जितना काम तो हो गया और आप मोबाइल दे सकते हो अपने गर्लफ्रेंड को, पकड़ा सकते हो और कोई भी ज़रूरत नहीं उस मोबाइल का। और अब देखिए यहाँ पर उसका सारे के सारे चैटिंग जो लिस्ट है मेरे मोबाइल में ऑलरेडी आ चुका है। देख सकते हैं इसका सारे के सारे मोबाइल का लिस्ट, जो जो चैटिंग लिस्ट है सारे के सारे डिटेल्स यहाँ पर आ चुके हैं। मैं उसका सारे के सारे मतलब चैट देख सकता हूँ, चैट का रिप्लाई कर सकता हूँ, स्टेटस चेंज कर सकता हूँ, स्टेटस को डिलीट कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ यहाँ पर। तो फ्रेंड, यहाँ पर मैं आपको एक ज़रूरी बात तो बताना भूल गया था। ये जो व्हाट्सएप आप जो देख रहे हैं, मैं उसका व्हाट्सएप यहाँ पर मेरे मोबाइल में चला रहा हूँ। तो ये सिर्फ उसी टाइम में होगा जब मान लीजिए आपके दोस्त आपके आसपास में होगा, ठीक है ना, 100 मीटर दूर हो या कितने भी दूर है, 100 मीटर आसपास में होगा और वो भी व्हाट्सएप चलाना होगा, नहीं तो नहीं खुलेगा। जब वो व्हाट्सएप चलेगा उसी टाइम ही आप चला पाएंगे, उसका कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह ही आप दूसरे का व्हाट्सएप को अपने मोबाइल में चला सकते हो बिना कोई दिक्कत के। तो फ्रेंड, आपको ये ट्रिक कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये ट्रिक पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को क्रेजी मोबाइल ज्ञान यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करिए। तो मिलते हैं और एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जाते वक्त बेल आइकन को जरूर दबाइए क्योंकि नए नए वीडियो के अपडेट हर रोज़ आप सभी को सबसे पहले मिलता रहेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं और एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अब तक रहता हूँ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।